नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोनू जोशी जेआर और स्वागत है आपका हमारे इसी खास चैनल पे, जहां पर हम उत्तराखंड से रिलेटेड टॉपिक लाते हैं। उत्तराखंड को लेकर हम यहां पर बातचीत करते हैं। आज पलायन उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, बहुत बड़ी समस्या है पलायन। कई गांव खाली हो चुके हैं उत्तराखंड से और उत्तराखंड को गोस्ट ऑफ विलेज कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों गांव में मतलब एक तरीके की सुनसानी हो चुकी है, गांव क्यों खाली हो चुके हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी को कम करने के लिए आज का यह अंक बेहद ही खास है। यह अंक उन युवा वर्ग के लिए भी बेहद ही खास है जो ये सोचते हैं कि उत्तराखंड में कुछ भी नहीं किया जा सकता, यहाँ रोजगार नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलाएंगे अपने इसी वीडियो में, जिन्होंने उत्तराखंड में रहकर ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आज दुनिया भर में उनका नाम है। आज हम आपको बताएंगे विजय लूथरा जी के बारे में। विजय लूथरा बागेश्वर के एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें हर कोई जानता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है और आखिर वह ऐसे किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो कौन है विजय लूथरा जी और क्या काम किया है उन्होंने, चलिए जानते हैं इसी खास अंक में। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं। बागेश्वर के वैदराज नाम से मशहूर विजय लूथरा जी आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ऐसे जानकार माने जाते हैं जिन्होंने आयुर्वेद और उत्तराखंड में उगने वाली खास जड़ी बूटियों की वजह से कई सारे लोगों को एक नया जीवन दिया हुआ है। उत्तराखंड में उगने वाली जड़ी बूटियों की वजह से ही विजय लूथरा जी ने सर्प संजीवनी बना डाली। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारतवर्ष में 50,000 से भी ज्यादा जाने सिर्फ सर्प दंश की वजह से जाती हैं। पर अपने इन्हीं उत्तराखंड में उगने वाली जड़ी बूटियों की वजह से विजय लूथरा जी ने सर्प दंश से 16,000 से भी ज्यादा व्यक्तियों की जान बचा डाली। लोगों की माने तो यह संख्या 30,000 से भी ज्यादा तक है। कुछ लोगों की माने तो विजय लूथरा जी के पास उन दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी ज्ञान है जिनका वर्णन हमारे प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। बागेश्वर स्थित कठेलवाड़ा में अपने निवास स्थान में विजय लूथरा जी ने अपने घर की छत में ही दुर्लभ जड़ी बूटियों का बगीचा बना डाला था। ये सारी जड़ी बूटियां हिमालय के निचले क्षेत्र में काफी मुश्किल से मिलती हैं। कई बड़े और सम्मानित लोगों ने विजय लूथरा जी के कार्य से प्रभावित होकर उन्हें थैंक्स नोट भी लिख कर दिया। उत्तराखंड के कई बड़े राजनेता और पॉलिटिशियन भी विजय लूथरा जी के कार्य से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जी भी विजय लूथरा जी के कार्य से बहुत ज्यादा खुश हुए। विजय लूथरा जी ने हमें यह भी बताया कि अगर सरकार उन्हें सपोर्ट करती तो वह उत्तराखंड से हो रहे पलायन को काफी हद तक रोक देते। हमने विजय लूथरा जी का खास इंटरव्यू लिया था जहां उन्होंने हमें यह भी बताया था कि सर्पदंश की जो वह दवाई देते हैं उसका मूल्य 100 रुपए से भी बहुत कम है। अपनी इन्हीं जड़ी बूटियों की वजह से विजय लूथरा जी कई गरीबों को सर्पदंश से बचा चुके हैं। हमने उनसे कई सारे विषयों पर चर्चा की थी जिनमें से हमारा एक प्रश्न बेहद ही खास था, लीजिए आप भी वह देखिए। तो सर, अगला प्रश्न मैं आपसे करूंगा कि आज उत्तराखंड से बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है, सारा का सारा युवा वर्ग बाहर जाकर नौकरी करना पसंद करता है और उत्तराखंड में रहकर कोई भी काम नहीं करना चाहता है, तो क्या आयुर्वेद के जरिए कुछ ऐसा चीज संभव है जिससे उत्तराखंड में ही पलायन रुक जाए और उत्तराखंड में ही जो युवा वर्ग है वो रोजगार एक प्राप्त कर सके, बढ़िया रोजगार? सर जी हाँ, आयुर्वेद उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए सबसे अच्छा जरिया और सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। मेरी बहुत से किसानों से बातचीत भी होती है, मैं उनको राय भी देता हूँ कि आप जो है जड़ी बूटियाँ उगाओ और उसकी कीमत भी बताता हूँ। मार्केट में ये गेहूं और चावल से कम 4 या 5 गुना ज़्यादा कीमत इनकी मिल सकती है। उतनी ही फसल का जहाँ किसान को 10,000 मिलना है और उसी जगह पे अगर जड़ी बूटियाँ लगाई जाए तो उसको 40 से 50,000 में मिलता है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत किसानों के साथ ये है कि उनको ये नहीं पता कि हम उगाने के बाद इसको बेचेंगे कहाँ पे। जी हाँ, ये एक बड़ी बात है, ये सही बात है सर, क्योंकि इसकी हमें सही कीमत कौन सी मंडी में मिल सकती है। जी, उत्तराखंड के अंदर अभी जड़ी बूटियों के लिए कोई ऐसी मंडी है ही नहीं जहाँ जाके वो एक जगह पे अपनी चीज वो बेच सके। जी सही बात है, उसको बेचने के लिए उसे हर फैक्ट्री के पास पहुँचना पड़ेगा जो आयुर्वेदिक दवा बनाती हैं, और जब किसान एक फैक्ट्री वाले के पास जाता है तो वो भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ना चाहता है कि मैं सस्ती से सस्ती इसे लेके और जो है उसको अपनी दवा बना सकूँ। सरकार से उम्मीद रखते हैं, शायद सरकार आगे चल के ऐसा कुछ कर भी दे कि उत्तराखंड के अंदर 2-3 ऐसी मंडियां बना दे। पहले रामनगर में थी, आजकल वहां भी काम नहीं है, हल्द्वानी में भी थी, आज वहां भी काम नहीं है। सरकार जब तक इसमें योगदान ना दे तब तक किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल सकता। और जड़ी बूटियों के अंदर
एक बहुत बड़ा स्कोप है उत्तराखंड का, क्योंकि पूरा उत्तराखंड ही जड़ी बूटी क्षेत्र है। हाँ ये तो है, सही बात है सर, क्योंकि हिमालय के नीचे का एरिया है और कई ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ यहाँ पर होती हैं। इस यहाँ पे ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं कि शायद कुछ परसेंट वैद्यों, हकीमों या डॉक्टरों को ये पता होगा। उसमें से मैं एक जड़ी बूटी का नाम जरूर लेना चाहूँगा, वो है थुनेर। थुनेर एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सिस्ट को, गांठ को बिना ऑपरेशन के भी ठीक कर सकती है। आज लेडीज़ के अंदर 60% सिस्ट पाया जाता है। वो पाया इसलिए जाता है कि हमारा खान पान बिगड़ चुका है, हम मैदे की चीज़ें बनी हुई ज़्यादा पसंद करने लगे हैं और मोटे अनाज को छोड़ते जा रहे हैं। जी सही। उससे हमें बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और जहां भी आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएं, सिस्ट है ठीक है ऑपरेशन कर दो जी, ऑपरेशन करने के बाद उसके अलावा और जो बीमारियाँ निकलती हैं उसे कोई नहीं जानता। अगर आप आयुर्वेद की तरफ जाएं तो उसी सिस्ट को बिना ऑपरेशन के आयुर्वेद से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, ताकि दोबारा भी ना हो जी। इस जागरूकता को सिर्फ सरकार ही अपना योगदान देके आगे बढ़ा सकती है, कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता। तो सर यानी अगर उत्तराखंड में यह जड़ी बूटियों का एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए सरकार की तरफ से, तो आपके हिसाब से पलायन रुक सकता है? बिल्कुल रुक सकता है, प्लान रुक भी सकता है और हम दूसरे प्रदेशों के लोगों को अपने आप बुला भी सकते हैं। इस हिसाब से सर अगर अगर जैसे मान लीजिए युवा वर्गों को ही जड़ी बूटियों से अच्छा दाम मिलने लगेगा तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे, एक हिसाब से यह काफ़ी सही बात आप कह रहे हैं सर। तो आखिर सर मैं एक सवाल आपसे करूँगा कि अगर ये जो जड़ी बूटियाँ हैं सर, आखिर इन जड़ी बूटियों के लिए अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो क्या कोई ऐसे युवा वर्ग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, या मतलब जैसे कई बार कुछ युवा वर्ग ऐसे कॉन्टैक्ट बना सकते हैं विदेशों में, क्या इस प्रकार से भी कुछ कर सकते हैं युवा अगर सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है उसके बाद भी पलायन वो यहीं रहकर कुछ करना चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, तब भी कर सकते हैं जी, और करने को बहुत कुछ है, सिर्फ युवा वर्ग को सही रास्ता नहीं पता। और उसके लिए मेरा जो भी योगदान होगा, अगर कोई इस तरह का काम करना चाहता है मैं उसे पूरा योगदान देने को तैयार हूँ, मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, सर जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं और हल्द्वानी में सर का एक जड़ी बूटियों का एक बहुत अच्छा यहाँ पर आयुर्वेद का एक संस्थान भी है, अगर आप सर से मिलना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सर का एड्रेस भी दिया है, साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप सर से बात कर सकते हैं। साथ ही मैंने सर का यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया है जहाँ सर आपको जड़ी बूटियों की जानकारी भी देंगे, आप सर के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों आपको आज का अंक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही रोचक वीडियो के अपडेट हम जल्द आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।